बढ़ने वाले हैं। नमस्कार, आपके साथ में नंदिता कुलेश्वर और मेरे साथ हैं पूर्णिमा मिश्रा। और अगले 15 मिनट आप दिन भर की 100 बड़ी खबरें देखें। नमस्कार, शुरू होता है न्यूज 100 बिना ब्रेक के। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कश्मीर को देश का अभिन्न अंग बताया। पाकिस्तान पर जम्मू कश्मीर के हिस्से पर अवैध कब्जे का आरोप। भारत ने पहली बार यूएन में उठाया बलूचिस्तान का मुद्दा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार काउंसिल की बैठक में उठाया बलूचिस्तान में मानवाधिकार के उल्लंघन का मसला। बलूचिस्तान में पाकिस्तान के अत्याचारों के खिलाफ न्यूयॉर्क में प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र दफ्तर के सामने बलोच प्रदर्शनकारियों ने लहराए झंडे, लगाए पाकिस्तान के खिलाफ नारे। राजदेव रंजन की पत्नी आशा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। शहाबुद्दीन, तेज प्रताप और सिवान एसपी पर लगाए आरोपियों को बचाने के आरोप, कोर्ट में जांच की मांग। तेजाब कांड में मारे गए तीन भाइयों के पिता चंद्रशेखर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में शहाबुद्दीन की जमानत रद्द करने की मांग। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी बिहार सरकार, राज्य के कानून मंत्री कृष्ण नंदन प्रसाद वर्मा का बयान। शहाबुद्दीन की जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने पर बिहार सरकार और जेडीयू में भ्रम। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने कहा सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं अपील। राजदेव रंजन हत्या का आरोपी मोहम्मद कैफ टीवी पर आया सामने, खुद को बताया बेकसूर। कहा हत्या से एक दिन पहले हुई थी राजदेव से बात। राजदेव नंदन हत्या केस में सीबीआई करेगी जांच। पुलिस ने वांटेड मोहम्मद कैफ के खिलाफ निकाला गिरफ्तारी का वारंट। मुलायम सिंह यादव के साथ करीब 4.5 घंटे चली शिवपाल यादव की बैठक, लेकिन नहीं निकल सका कोई नतीजा। शिवपाल ने दोहराया, नहीं हूं किसी से नाराज। सैफे में जुटे हजारों समर्थक, शिवपाल यादव के समर्थन में लगाए नारे। यूपी के सीएम अखिलेश यादव का बयान, मुलायम सिंह के कहने पर ही लिए सभी फैसले, कुछ फैसले खुद भी लिए। अखिलेश ने कहा यह परिवार की नहीं सरकार की बात, अगर बाहर के लोग करेंगे हस्तक्षेप तो कैसे चलेगी पार्टी। अमर सिंह ने किया अखिलेश यादव को बचाव, कहा मुख्यमंत्री ने नहीं लिया मेरा नाम, अखिलेश को आज और कल में बनाना होगा तालमेल। अफगानिस्तान में विकास के लिए भारत देगा 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर की मदद। भारत अफगानिस्तान के बीच 3 अहम समझौते। मिर्जापुर में राहुल गांधी की खाट सभा के बाद फिर से मची खटिया की लूट। यूपी में किसान यात्रा पर है राहुल गांधी। किसान यात्रा पर निकले कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी इलाहाबाद में अपने पैतृक घर स्वराज भवन पहुंचे। सुबह 10 बजे शुरू करेंगे यात्रा। कल यूपी के कौशाम्बी में लगेगी कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की खाट पंचायत, जोर शोर से तैयारियां। पंजाब विधानसभा में अकाली मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया पर कांग्रेस विधायकों ने जूता फेंका। कांग्रेस विधायक तरलोचन सिंह ने फेंका जूता। पंजाब विधानसभा में जूता कांड हुआ, जिसके बाद तरलोचन सिंह सुन ने सफाई दी। कहा जूता मजीठिया पर नहीं बल्कि अकाली दल के ही एक अन्य विधायक की तरफ फेंका था। नवजोत सिंह सिद्धू ने बीजेपी को से दिया इस्तीफा। सिद्धू ने अभी हाल ही में बनाई है नई पार्टी। पश्चिम बंगाल के सिंगूर में ममता सरकार ने किसानों की जमीन की वापस, मुआवजे का भी चेक सौंपा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टाटा नैनो प्लांट की जमीन का अधिग्रहण रद्द हुआ था। ब्राजील से हुई एम्ब्रॉयर जेट डील में कथित घूस दिए जाने के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश। 2008 में यूपी सरकार के वक्त हुई थी डील। दिल्ली सरकार का डेंगू, चिकनगुनिया पर हाईकोर्ट में हलफनामा। 10 सितंबर तक किसी की मौत से इनकार, मेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की, केंद्र से भी मदद का भरोसा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने डेंगू और चिकनगुनिया के बढ़ते मामलों पर बैठक की, लोगों से न घबराने की अपील। दिल्ली में अब तक चिकनगुनिया से हो चुकी है 11 मौतें। डेंगू और चिकनगुनिया से उबरने के लिए दिल्ली के एलजी नजीब जंग ने भी केजरीवाल सरकार और एमसीडी से की अपील। कहा आपसी दूरियां और राजनीति भुलाकर साफ में करेगा। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज कर्नाटक बंद। मांड्या में प्रदर्शनकारियों ने रेल रोकने की कोशिश की, पुलिस ने हिरासत में लिया। 4 दिन के भारत दौरे पर आज दिल्ली पहुंचे नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, प्रधानमंत्री मोदी से भी मुलाकात। दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में इलाज को लेकर मरीज के परिवार वालों ने डॉक्टर से विवाद, डॉक्टर्स ने हड़ताल पर जाने की धमकी दी। मुंबई के गिरगांव इलाके में यू टर्न से रोकने पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले की पिटाई, 2 सगे भाई गिरफ्तार। मुंबई के ईस्टर्न फ्रीवे पर बेकाबू कार डिवाइडर से टकराई, हादसे की वजह से कार के चारों टायर फटे, कोई घायल नहीं। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को एंटी करप्शन ब्यूरो का नोटिस, नियुक्तियों में अनियमितताओं को लेकर सोमवार को पूछताछ के लिए बुलाया। हिंदी दिवस पर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्र की आत्मकथा द जी फैक्टर के हिंदी संस्करण का विमोचन। दिल्ली की साहित्य कला अकादमी ने नोबेल पुरस्कार विजेता
कैलाश सत्यार्थी ने किया विमोचन। आत्मकथा विमोचन के मौके पर डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हिंदी भाषा में उच्च शिक्षा देने की वकालत की। डॉक्टर चंद्रा ने कहा, हिंदी साहित्य अकादमी के हिंदी दिवस समारोह में शामिल होना उनके लिए गर्व की बात। यूपी सरकार में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 23 वरिष्ठ IAS अफसरों का ट्रांसफर किया गया, 8 DM भी शामिल। लखनऊ में CM अखिलेश यादव ने लॉन्च की यूपी सरकार की नई बीमा योजना, करीब 3 करोड़ गरीबों को कैशलेस इलाज देने की स्कीम लॉन्चिंग में एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी रहे। यूपी चुनाव से पहले गोरखपुर में पोस्टर वॉर हुई और तेज योगी समर्थकों ने विवादित पोस्टर में शीला और राहुल की तस्वीर को गधे के साथ दिखाया, योगी को जादूगर दिखाया। शामली में देखिए पुलिस की संवेदनहीनता, इंसाफ मांगने आए एक दलित बुजुर्ग को धक्के देकर SP ऑफिस से बाहर निकाला, कुछ ही दिन पहले गांव के प्रधान ने घर में घुसकर की थी पिटाई। कोलकाता में कुत्ते के झपटने से 5वीं मंजिल से गिरा युवक, छत पर कुत्ते के हमले से बिगड़ा बैलेंस, हादसे में युवक की मौत, कुत्ते का मालिक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में 40 लाख के इनामी नक्सली हिडमा पामेड़ की पहली तस्वीर आई सामने, झीरम घाटी और ताड़मेटला में 107 लोगों की हत्या का आरोप। मध्य प्रदेश के भिलाई में सरकारी अस्पताल की लापरवाही से नवजात झुलसा, इंक्यूबेटर की सुविधा नहीं होने पर 200 वॉट के बल्ब के नीचे रखा। मध्य प्रदेश ने निजी मेडिकल कॉलेजेस को सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका, मध्य प्रदेश में काउंसलिंग और साथ ही एडमिशन पर रोक लगाई, 19 सितंबर तक जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ के बस्तर में जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर, 2 पेड़ों के बीच बिजली के तार से बनाया पुल। राजस्थान के धौलपुर में बारिश के लिए पूजा पर बैठी 9 लड़कियां, 2 दिन तक कुछ नहीं खाया, पुलिस के दबाव के बाद परिवार वालों ने पूजा खत्म की। मध्य प्रदेश के खंडवा में पावर प्लांट के ट्रांसफार्मर में आग लगी, फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के अमरोहा में कार गैराज में आग की वजह से करीब आधा दर्जन कार जलकर खाक, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मथुरा में बरसाना में मटकी फोड़ लीला के दौरान मक्खन लूटने के लिए भगदड़ मची, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, कई श्रद्धालु खाए। गुजरात के जूनागढ़ में BJP नेता की तरफ से चलाई जा रही इनामी योजना के लकी ड्रॉ के दौरान जबरदस्त हंगामा, मौके पर मौजूद लोगों ने कुर्सियां फेंकी। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 70 मीटर गहरी खाई में गिरी कार, हादसे के वक्त कार में सवार 6 में से 4 लोगों की मौके पर मौत, 2 की हालत गंभीर। राजस्थान के चुरू में माचिस से भरे ट्रक में आग लगी, आग के तेज लपटों से ट्रक जलकर खाक, दूसरी गाड़ी की टक्कर से ट्रक ने पकड़ी आग। यूपी के फैजाबाद में बिना टीचर के स्कूल क्लास रूम में बच्चे करते हैं टीचर का इंतजार, PM मोदी और CM अखिलेश से टीचर लगाने की मांग। कर्नाटक के गुलबर्गा में भारी बारिश की वजह से सड़कें नदी में तब्दील, अंडरपास में पानी भरने की वजह से आवाजाही बाधित। यूपी के बरेली में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या में बड़ा खुलासा, जमीन के विवाद में कश्मीर सिंह नाम के शख्स ने अपने भाई के परिवार की हत्या की, पुलिस ने गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में मामा ने की मासूम भांजे की हत्या, किडनैप करके मांगी 3 लाख की फिरौती, पुलिस ने गिरफ्तार किया। दिल्ली के JNU में एक और रेप का केस, PhD के छात्र अजय सिंह को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कल लड़की ने दर्ज कराई थी रेप की शिकायत। यूपी के शाहजहांपुर में शादी का विरोध करने पर एक शख्स ने प्रेमिका की बड़ी बहन को गोली मारी, खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या की, लड़की की हालत गंभीर। राजस्थान के सवाईमाधोपुर में घर से अगवा कर नाबालिग लड़की से गैंगरेप, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के हापुड़ में रिश्तों का कत्ल, मां ने 2 बेटों के साथ मिलकर बड़े बेटे को मारा, जमीन का विवाद। उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक युवक ने पुलिस थाने के सामने आत्मदाह की कोशिश की, आधे घंटे तक चले हाई वोल्टेज ड्रामे के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी के फैजाबाद में पुलिस ने 18 अगस्त को टोल प्लाजा में हुई लूट का खुलासा किया, 11 में से 4 आरोपी गिरफ्तार, लूट में इस्तेमाल हथियार और लूटा गया बैग भी बरामद। राजस्थान के भीलवाड़ा में गाड़ी चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 74 गाड़ियां बरामद। राजस्थान के उदयपुर में पुलिस पर एक शख्स की बेरहमी से पिटाई का आरोप, SP ने मामले की जांच के आदेश दिए। यूपी के उन्नाव में 2 गुटों में खूनी संघर्ष, मामूली कहासुनी के बाद झगड़े में 2 लोगों की मौत, परिवार में मातम का माहौल। यूपी के मथुरा में एक सरफिरे ने मां बेटी पर तेजाब फेंका, इलाज के दौरान बेटे की मौत, नाराज परिवार वालों ने हंगामा किया। वाराणसी में 3 स्कूली बच्चों ने एक छात्र का गला रेता, प्राइवेट स्कूल की वारदात, हमले में छात्र हुआ घायल, आरोपी छात्रों ने महिला टीचर से भी की थी बदसलूकी। पंजाब के होशियारपुर में प्रेम संबंध को लेकर 21 साल के युवक की हत्या, लड़की के घर वालों पर लगा हत्या का आरोप, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के धौलपुर में 10वीं पास युवक ने बनाई खास डिवाइस, मोबाइल फोन से बाइक को किया कनेक्ट,
फोन करने पर ऑन ऑफ होती है बाइक। टोंक में तेजाजी फेस्टिवल में अंधविश्वास की अनूठी परंपरा, देवता को शरीर में प्रवेश करवाने के लिए लोग खुद को सांप से कटवाते हैं। राजस्थान के अजमेर में एक गांव में होती है भूतों की पूजा। गांव वालों का दावा, भूतों की पूजा पर देवता देते हैं पहरेदारी। 24 घंटे के लिए गांव वाले खुद को बनाते हैं बंधक। राजस्थान के कोटा में एक पेड़ पर लोगों की अंधी आस्था, पेड़ से निकल रही है सफेद झाग। लोगों ने पेड़ में भगवान समझकर शुरू की पूजा। महाराष्ट्र समेत देश भर में आज गणपति बप्पा के विसर्जन। मुंबई में करीब 11,000 गणपति पंडालों की मूर्तियों का विसर्जन होगा। मुंबई में गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, 55,000 से ज्यादा पुलिस के जवान तैनात किए गए। गणपति विसर्जन के लिए ट्रैफिक में बदलाव, 49 अहम सड़कों पर बंद रहेगा ट्रैफिक, 55 रास्तों को वन वे किया गया, 18 रास्तों पर भारी गाड़ियों की आवाजाही पर रोक। राजधानी दिल्ली में आज होने वाले गणेश विसर्जन को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की। 11 बजे से सुबह यमुना के अलग अलग घाटों को जोड़ने वाले रास्तों से बचने की सलाह दी गई। हैदराबाद में गणपति विसर्जन के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम, विसर्जन में लाखों लोगों के शामिल होने का अनुमान। मुंबई से सटे ठाणे में तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर की 120 फीट ऊंची झांकी में सजा गणपति पंडाल, 6,000 मीटर कपड़े, 4,000 बांस के डंडों का इस्तेमाल। ठाणे के मांडू में गणपति उत्सव के दौरान महाराष्ट्र बिजली केंद्र ने अनूठी झांकी पेश की, पानी के इस्तेमाल से बिजली तैयार करने की दी जा रही है जानकारी। गुजरात के राजकोट में गणपति विसर्जन के दौरान हादसा, नदी में डूबने से दो भाइयों समेत 5 लोगों की मौत, 2 को बचाया गया। अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में बेहतर सुविधाएं देने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन, मुफ्त में सब्जियां बांटकर विरोध जताया। अमेरिका में एरिजोना राज्य के फिनिक्स में कार से टक्कर मारकर पुलिस अफसर को मारने की कोशिश, सीसीटीवी वीडियो की मदद से आरोपी की पहचान। अमेरिका के न्यूयॉर्क में मानवाधिकार संगठनों का प्रदर्शन, खुफिया सूचनाएं लीक करने के मामले में एनएसए के पूर्व कॉन्ट्रैक्टर स्नोडन को माफी की मांग। अमेरिका और इसराइल के बीच ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर दस्तखत, 10 साल में इसराइल को 38 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देगा अमेरिका। भ्रष्टाचार के मामले में ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति लूला दी सिल्वा के खिलाफ चार्जशीट दायर, सरकारी तेल कंपनी पेट्रोबास के घोटाले का आरोप। कनाडा के पास आर्कटिक महासागर में ब्रिटिश जहाज एचएमएस टेर के मतलब मलबे का वीडियो आया सामने, 70 साल पहले हुआ था लापता। उत्तर कोरिया में 5वें परमाणु परीक्षण के बाद मनाया गया जश्न, प्योंगयांग में आयोजित की गई विशाल रैली। तेज गिरावट के बाद बुधवार को संभला बाजार, निफ्टी 8,700 के पार बंद, कंज्यूमर ड्यूरेबल बैंकिंग ऑटो और सीमेंट शेयर में खरीदारी। रिलायंस कम्युनिकेशन का एयरसेल के साथ मर्जर का ऐलान, आरकॉम का मोबाइल कारोबार अलग होकर एयरसेल के साथ होगा मर्जर, नई कंपनी की सितंबर 2017 में हो सकती है लिस्टिंग। अगस्त महीने में होलसेल महंगाई दर बढ़ी, अगस्त में होलसेल प्राइस इंडेक्स 3.55% से बढ़कर 3.74 हुआ, खाद्य महंगाई दर में गिरावट। भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले मैदान पर जमकर पसीना बहा रहे हैं न्यूजीलैंड की टीम, दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने की प्रैक्टिस। वेस्ट इंडीज के चीफ कोच फिल सिमंस की करी छुट्टी, सिमंस की कोचिंग में ही जीता था वेस्ट इंडीज ने वर्ल्ड T20। जग्गा जासूस की रिलीज से पहले फिल्मेकर अनुराग बासु ने फिल्म का सीक्वल बनाने का फैसला किया, सीक्वल में रणबीर कपूर के ऑपोजिट नहीं होंगी कटरीना कैफ। अपने बेटे हर्षवर्धन कपूर की डेब्यू फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर भावुक हुए अनिल कपूर, इवेंट में अनिल ने बॉलीवुड से मिल रहे सपोर्ट के लिए शुक्रिया किया।